सचिव कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान CAA, NPR और NCR पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। उन्होंने विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष मोदी को मैदान में हरा नहीं पाता है, इसलिए देशवासियों को गुमराह करके राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गया है। हालांकि पहले गुमराह होने वाले अब नागरिकता कानून की असलियत समझने लगे हैं, इसलिए अराजकता बंद कर कानून को समर्थन देने लगे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अकेले बंगाल में ही लगभग 1 करोड़ से ज्यादा दलित नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, NPR अब ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। NPR भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी की सरकार ने लाई, हर 10 वर्ष में NPR आता है। NPR के माध्यम से देश के गांव से लेकर शहर तक का डेटा इकट्ठा होता है और ये हर 10 साल में अपग्रेड होता है। NPR कोई भारतीय जनता पार्टी कोई लाई हो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी सरकार के पास 10 साल पहले का डाटा है, उसको अपग्रेड करना कि इन 10 वर्षों में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसका उपयोग करती है इसके डेटा और अपने राज्य में योजनाएं बनाती और केंद्र सरकार भी बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका डेटा चाहिए। तो ये NPR के माध्यम से आएगा कि रामलाल का मकान है या नहीं फलाने गांव में, बोले ये आवासहीन है, तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जब आवास देने की योजना बनेगी तो उस गाँव में प्रधानमंत्री आवास का रामलाल के लिए मकान देना। तो ये पूरा की पूरा ये पूरी कार्रवाई है। ये तो NPR को पता नहीं क्यों इस देश में विपक्ष समाज को और देश को गुमराह कर रही है। आप समझदार पत्रकार हैं, आप इसका अध्ययन करें और आपके माध्यम से समाज में बात पहुंचाएं। देश के मुसलमानों को नागरिकता कानून से कोई खतरा नहीं होने की बात कहते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल NCR को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि NPR को लेकर स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा NPR लेकर नहीं आई है, लेकिन हर 10 साल में जनगणना जरूरी है ताकि योजनाएं बन सके। व्यक्तिगत रूप से विजयवर्गीय ने NCR का भी समर्थन किया। वहीं विपक्ष पर वोट के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार महात्मा गांधी के वचनों को पूरा कर रही है। वहीं प्रदेश सरकारों द्वारा नागरिकता कानून को लागू नहीं करने के फैसले पर कहा कि संविधान के मुताबिक सरकार मना नहीं कर सकती, यदि फिर भी ऐसा होगा तो कलेक्टर के बजाय ऑनलाइन प्रक्रिया अपना कर नागरिकता दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में माफियाओं पर चलाए जा रहे अभियान पर भी राजनीति का असर नजर आने का आरोप विजयवर्गीय लगाया। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध माफियाओं के मकान तोड़ने के बाद भी भाजपा ने इस मुहिम का समर्थन किया है, लेकिन यदि भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर मुहिम का राजनीतिकरण किया गया तो भाजपा प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी और सरकार की खिलाफत करेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि हम मूक दर्शक बने हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम विरोध नहीं कर सकते। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कमर के नीचे की राजनीति कभी मैंने नहीं की है और करना भी नहीं चाहता, लेकिन यदि जरूरत पड़ेगी तो करूंगा भी।